अब्दुल्लागंज में ग्रामीण डाक सेवक ने 7 सूत्री मांग को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। डाक सेवकों का कहना है कि डाक घर का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उन्हें 8 घंटे का काम मिले और विभागीय दर्जा दिया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्र में इसका फायदा मिल सके। डाक काटते हैं और अगर जो भी सुविधाएं हैं जैसे AEPS हुआ और भी बाकी बैंकिंग सुविधाएं हम लोग गांव वालों को अवेलेबल उपलब्ध करवाते हैं। बाकी ये हम लोग 4 घंटे काम करते हैं, उस 4 घंटे में हम लोग पूरा काम कवर नहीं कर पाते हैं। यहाँ ऐसो भी आना पड़ता है, उसमें डाक लेके जाना, फिर गाँव में डाक वितरित करना और भी काम होते हैं जो पूरे नहीं हो पाते 4 घंटे में। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का 8 घंटे का ड्यूटी किया जाए और परमानेंट किया जाए। जब हम गवर्नमेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को परमानेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं। हमारी मांग है कि हमें 8 घंटे और परमानेंट विभागीय दर्जा दिया जाए, जो कि 170 सालों से अंग्रेजों के टाइम से हम लोग गुलामियों की तरह से काम करते हुए आ रहे हैं, जो कि हमें 2-3 घंटे का वेतन दिया जाता है और काम हमसे 10-10 घंटे लिया जाता है। हम ये चाहते कि अब मोदी सरकार या जो भी सरकार या विभाग है हमारी मांगे मान के हमें 8 घंटे और परमानेंट वाला दर्जा दिया जाए, और जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में हम काम करते हैं तो ये 4-3 घंटे की वजह से जो ग्रामीण जन है उनको भी सरकार की योजनाओं का सही तरीके से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, वो भी परेशान होते हैं। क्या शहर के लोगों को यहाँ के 8 घंटे की सेवा लेने का बैंकिंग सर्विस का गाँव की जनता क्या 4 घंटे के लिए सीमित है? ये इनकी कुछ मांगे हैं, ये 12 BO के मेरे सहकर्मचारी है और इनकी कुछ मांगे हैं, जो इनकी मांगे हैं परमानेंट होना 8 घंटे का इस टाइप से है कुछ सर। नहीं, मेरे द्वारा नहीं भेजा था, ये हमारे उप अधिकारी देखते हैं सब चीज़ें। हाँ, मैंने जानकारी दी है, मेरे उप अधिकारी को जानकारी दी गई है। मेरा नाम मिलिंद पसाले है, मैं LHESPM हूँ अब्दुल्लागंज।